मैं राशि कपूर, INN टुडे में आप सबका स्वागत है। बढ़ेंगे आज की सुपर फास्ट टॉप 9 खबरों के। बॉलीवुड सेलेब तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप दो फिल्म प्रोडक्शन हाउस और टैलेंट मैनेजमेंट कंपनियों के खिलाफ दो दिन से मुंबई और पुणे में चल रहे छापों के मामलों में नया खुलासा हुआ। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT ने गुरुवार को बताया कि कुल 370 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। ये टैक्स चोरी शेयर ट्रांजेक्शन का अंडर वैल्यूएशन कर और फर्जी खर्चे दिखाकर हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में कोरोना वैक्सीन का पूरी क्षमता से इस्तेमाल ना करने पर नाखुशी जताई है। हाईकोर्ट ने कहा कि वैक्सीन कंपनियों के पास इसे बनाने और सप्लाई करने की क्षमता है, हम हर चीज़ पर पाबंदी लगाने की सोच के चलते इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकार भारतीय नागरिकों को वैक्सीन लगाने की बजाय विदेशों को वैक्सीन दान कर रही है या इसकी बिक्री कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म पर जो भी कंटेंट दिखाया जाता है उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि कुछ प्लेटफॉर्म पर तो पोर्नोग्राफी भी दिखाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सोशल मीडिया और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई गाइडलाइन सौंपने को कहा है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से अपनी 18 साल की बेटी का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद वे खुद ही की बेटी का कटा हुआ सिर लेकर महिला थाने पहुंच गया। उसने पुलिस वालों से कहा कि मैंने इसे काट डाला। इस दौरान उसके चेहरे पर कोई शिखन भी नहीं थी। बताया जा रहा है कि पिता ने बेटी को एक लड़के के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रैली करेंगे। मोदी की रैली ब्रिगेड ग्राउंड में होनी है। इसी दिन राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी में LPG की बढ़ती कीमतों के विरोध में पदयात्रा निकालेंगी। ममता ने गुरुवार को विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से उतरने का ऐलान किया है। ममता 11 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन नामांकन दाखिल करेंगी। मुंबई के मशहूर कराची बेकरी शॉप बंद हो गई है। राज ठाकरे की पार्टी MNS के एक नेता ने इसका श्रेय लिया है। राज ठाकरे की अगुवाई वाली पार्टी MNS ने कुछ महीने पहले इस बेकरी शॉप को उसके नाम को लेकर हमला किया था, जिसे लेकर काफी विवाद भी पैदा हो गया था। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित ऐतिहासिक धरोहर ताजमहल में अब स्थिति सामान्य हो गई है। अब दोबारा पर्यटकों की एंट्री शुरू हो गई है। इससे पहले गुरुवार को ताजमहल को अचानक बंद कर दिया गया था। ताजमहल के अंदर विस्फोटक रखने की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस ने फोन कर झूठी खबर देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। महाराष्ट्र में बीते दिन कोरोना वायरस के 9,855 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामले बढ़कर 21 लाख से अधिक हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महामारी से 42 और मरीजों की मौत हो गई है। राजधानी मुंबई में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 1,121 नए मामले सामने आए हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने बुधवार को सभी पेट्रोल पंप डीलरों और अन्य एजेंसियों को 72 घंटे के भीतर अपने परिसर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले केंद्रीय योजनाओं को होर्डिंग को हटाने का निर्देश दिया है। एक अधिकारी ने कोलकाता में यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल में मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यकाल के एक अधिकारी ने कहा कि ऐसे होर्डिंग में प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल करना आदेश आचार संहिता का उल्लंघन है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।